नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022 और 23 का बजट पेश किया। कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर, हीरे के आभूषण और खेती के सामान सस्ते हुए हैं। यहां आपको क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022 और 23 का बजट पेश किया। लगातार दूसरी बार उन्होंने पेपरलेस बजट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं साल भर में पूरे देश में गरीबों के लिए 80,00,000 घर बनाए जाएंगे। डिजिटल करेंसी को लेकर भी ऐलान हुआ। इस बीच उन्होंने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत अन्य शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की बात कही। इससे बहुत से सामान सस्ते होंगे तो वहीं कई चीजें महंगी होंगी। एमएसएमई सेक्टर को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी में छूट एक साल के लिए बढ़ाई गई है। कट और पॉलिश्ड डायमंड के अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी पर आयात शुल्क घटाकर 5% कर दी गई है। वर्तमान में कटे और पॉलिश किए गए हीरे के साथ साथ रत्नों पर आयात शुल्क 7.5% है। लोकसभा में 2022 और 23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि सरकार ई कॉमर्स के माध्यम से आभूषणों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए वह इस साल जून तक फ्रेमवर्क लागू करेगी। स्टेनलेस स्टील और कोडेड स्टील, आयोल स्टील के कुछ हिस्सों पर कुछ एंटी डंपिंग शुल्क एडीडी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी सीवीडी हटा दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन, चार्जर, ट्रांसफर आदि पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई है। पेट्रोलियम उत्पादनों के लिए आवश्यक रसायनों के अलावा मेथनॉल सहित कुछ रसायनों पर सीमा शुल्क घटाई गई है। अब बात करते हैं क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता। कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर, हीरे के आभूषण, खेती के सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा विदेशी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। वहीं महंगाई की बात करें तो कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दिया गया है। इस पर 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। वहीं इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका कारण आयात को कम करना है। विदेशी छाता भी महंगा होगा। आयातित सामान महंगे होंगे। इसके अलावा सामग्री अक्टूबर से बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति के लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।